बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तरम नाज़रीन, ईडन गार्डन टाइम्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क जिसका नाम है अंडोरा। अंडोरा यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है। ये इतना छोटा है कि यूरोप के नक्शे पर एक डॉट यानी नुक्ते की मानिंद दिखाई देता है। इंतहाई छोटा होने के बावजूद इसकी तारीख और सकाफत इंतहाई दिलचस्प है। इस वीडियो में अंडोरा के हवाले से इंतहाई हैरानकुन और दिलचस्पी से भरपूर मालूमात फराहम की जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बरवक्त पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। मोहतरम नाजरीन, ज्यादातर लोग एंडोरा को स्पेन या फ्रांस का एक शहर तसव्वुर करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ये एक मुकम्मल मुल्क की हैसियत रखता है जो कि यूनाइटेड नेशंस का मेंबर भी है। इसकी टीम ओलंपिक्स में बाकायदगी से हिस्सा लेती है और इसके बहुत से ममालक से सफारती ताल्लुकात भी हैं। अंडोरा का सरकारी नाम प्रिंसिपैलिटी ऑफ अंडोरा या रियासत अंडोरा है। ये एक लैंड लॉक्ड यानी जमीन बंद मुल्क है। इसको किसी तरफ से समंदर नहीं लगता। ये नन्नी मुन्नी रियासत जजीरा नुमा आइबेरिया पर वाक़ है। इसकी सरहदें शुमाल में फ्रांस और जनूब में स्पेन से मिलती हैं। प्रिंसिपैलिटी को उर्दू या हिंदी में नवाबी रियासत कहते हैं। यहाँ का हुक्मरान शहजादा या प्रिंस कहलाता है। आपकी मालूमात के लिए एंडोरा प्रिंसिपैलिटी ही नहीं बल्कि को प्रिंसिपैलिटी है। इस पर एक की बजाय दो शहजादे हुक्मरान हैं, या यूं कह लें कि प्रिंस या शहजादे का टाइटल मुश्तरका तौर पर दो लोगों के पास है। दूसरी हैरानगी की बात यह है कि दोनों शहजादों का ताल्लुक मुल्क एंडोरा से नहीं है। एक शहजादा फ्रांस का सदर है और उसका मावन शहजादा बिशप ऑफ उर्जेल यानी उर्जेल का पादरी है, और इसका ताल्लुक स्पेन के इलाके से है। ये ओहदे कानूनी हैं, बिल्कुल बरतानवी बादशाहत की तरह, और इन्हें असल ताकत हासिल नहीं। चंद महदूद चीजों के लिए दोनों शहजादे मिलकर अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके एक सरबराह यानी फ्रांस के सदर को कोई दूसरा मुल्क जमहूरी तौर पर मुंतखब करता है, और दूसरे सरबराह यानी बिशप को किसी दूसरे मुल्क का सरबराह यानी पोप मुंतखब करता है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 17वां और यूरोप का 6ठा छोटा तरीन मुल्क है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 39वां और यूरोप का 5वां छोटा तरीन मुल्क है। मुल्क के एक किनारे से दूसरे किनारे तक का सफर सिर्फ 40 किलोमीटर बनता है। अंडोरा का कुल रकबा 46,763 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 80,000 अफराद पर मुश्तमिल है। अंडोरा का इंटरनेशनल डायलिंग कोड +376 है। अंडोरा का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी अंडोरा ला वेल है। इसका रकबा 30 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी 22,615 अफराद है। अंडोरा की सरकारी जबान कैटालान है। कैटालान अगरचे स्पेन, फ्रांस और सार्डिनिया में भी बोली जाती है, लेकिन अंडोरा दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कैटालान को सरकारी जबान की हैसियत हासिल है। अगरचे अंडोरा यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं, लेकिन इसकी सरकारी करेंसी यूरो ही है। अंडोरा का अपना कोई सरकारी बैंक भी नहीं है। अंडोरा के नाम के हवाले से मुख्तलिफ कहानियाँ मौजूद है। एक तो ये कि इस इलाके में रूमियों की आमद से भी कबल एक कबीला आबाद था और उसका नाम था एंडोसिन्स। ये लोग एंडोरा की वादियों में रहते थे। इन्होंने कार्थेजीनियन फौजों का उस वक्त सामना किया जब कार्थेजीनियन फौजें तीन बार यहां से फ्रांक के साथ प्यूनिक जंगें लड़ने के लिए गुजरी। लिहाजा हो सकता है कि अंडोरा का नाम इन्हीं एंडोसिन्स से बना हो। दूसरी कहानी ये बतलाती है कि जब अरब यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि ये इलाका घने जंगलात से भरा हुआ था, तो उन्होंने इसे अल दरा कहा यानी घने जंगलात वाली जगह, और बाद में यही नाम बिगड़कर एंडोरा हो गया। एक लोक दास्तान ये भी कहती है कि इसको ये नाम चार्लमैन ने दिया जो अरब मुसलमानों के बाद यहाँ हुक्मरान रहा। तारीख और जोग्राफिया के माहरीन बताते हैं कि ये जगह पायरिनीज पहाड़ी सिलसिले के दरमियान एक गुजरगाह की तरह थी जिसके एक तरफ एरियश दरिया और दूसरी तरफ सैगर दरिया बहते थे। पत्थर के जमाने में 6640 कबल मसीह में लोगों का एक ग्रोह मैड्रियो वादी तक पहुंचा और यहीं पर आबाद हो गया। वादी के लोग अनाज उगाते,
जानवर और मवेशी पालते और करीबी सगर और ऑक्सटीनिया के लोगों के साथ तिजारत भी करते। छोटी छोटी रहायशों के आसार कांसी के दौर से मिलते हैं। धात की बनी अशिया और धाती सिक्के कदीम इबादत गाहों से मिले हैं। 7वीं सदी कबल मसीह से 2री सदी कबल मसीह तक वादी के बशिंदों का तिजारती ताल्लुक करीबी आइबेरिया के रहने वालों से था जो हस्पानवी कहलाते थे। इस इलाके में रूमियों की मौजूदगी 2री सदी कबल मसीह से 5वीं सदी ईस्वी के दरमियान पाई जाती है। लोगों ने इस दौरान शराब और अनाज की तिजारत जारी रखी। ये तिजारत रोम के शहरों उर्जिलियट और वाया रोमाना से की जाती। रोमन एम्पायर के खात्मे के बाद एंडोरा विसिगोथ्स के जेर असर आ गया और ये किसी दूरदराज सल्तनत के जेर तहत नहीं था बल्कि मकामी तौर पर उर्जेल के डायसिस के जेर असर था। विसिगोथ्स वादी में तकरीबन 200 साल तक रहे। इसी दौरान यहाँ क्रिश्चियनिटी का फैलाव हुआ। फिर ऐसा हुआ कि इलाके पर उमवी हुकूमत कायम हुई और मुसलमानों ने हस्पानिया पर कब्जा करके इसका नाम उंदलस रख दिया। पूरे इलाके पर मुसलमान काबिज हो गए और विसिगोथ्स का खात्मा हो गया। मुसलमानों की फतूहत के दौरान एंडोरा वाहिद इलाका था जो फ्रांस की पनाह में आ गया। फ्रांस के बादशाह चार्ल्स दी ग्रेट या चार्लमैन ने एंडोरा के लोगों से वादा किया कि वो उन्हें 5,000 फौजियों पर मुश्तमिल दस्ता फराहम करेगा, लेकिन बदले में उन्हें मगरब से तलक रखने वाले मुसलमान हमलावरों जिन्हें मूर कहा जाता था उनसे लड़ना होगा। एंडोरा फ्रांसीसी बादशाहत के जेर तहत मार्का हस्पानिका का हिस्सा रहा और इस पर काउंट ऑफ उर्जेल की हुक्मरानी जारी रही और फिर ये बिशप ऑफ उर्जेल को भी मुंतकिल हो गई। 988 में बोरियल डोम जो उर्जेल का काउंट था उसने सार्डिनिया की जमीन के बदले एंडोरा की वादियां डाइस ऑफ उर्जेल को दे दी। तब से डाइस ऑफ उर्जेल एंडोरा का को प्रिंस या मुआवन शहजादा बन गया। 1095 से कबल एंडोरा को कोई फौजी हिफाजत हासिल न थी। बिशप ऑफ उर्जेल को ये शक हुआ कि काउंट ऑफ उर्जेल एंडोरा की वादियों को दोबारा वापस हासिल करना चाहता है। बिशप ऑफ उर्जेल ने कैबुर्ट के लॉर्ड को मदद और हिफाजत के लिए पुकारा। 1905 में ही कैबुर्ट के लॉर्ड और बिशप ऑफ उर्जेल ने बाहमी हुकूमत के मुआहदे पर दस्तखत किए। बाद में ये इख्तियारात काउंट ऑफ फॉयक्स राजा बर्नार्ड सेकंड और उसकी बीवी अर्मिसेंडा को मिल गए जिनको बिशप ऑफ उर्जेल के साथ बाहमी हुक्मरानी का इख्तियार हासिल हो गया। 13वीं सदी ईस्वी में कैथर की सलीबी जंग के बाद बिशप ऑफ उर्जेल और काउंट ऑफ फॉयक्स के दरमियान तनाजा खड़ा हो गया। इस तनाजे को किंग ऑफ ऑर्गन पीटर सेकंड ने हल करवाया। मुआहदे के तहत पहली मर्तबा इस रियासत को इसका इलाका और सियासी हद्दोहाल मिल गए। 1364 में मुल्क की एक सियासी तंजीम ने अपना एक वकील मुकरर किया जिसका काम एंडोरा के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए दोनों शहजादों को इस बात पर कायल करना था कि वो मुकामी डिपार्टमेंट तश्कील दें जिनमें आबादियां, चौराहे और गुजरगाहें शामिल की गईं। 1419 में बिशप फ्रांसिस और काउंट जॉन वन की मंजूरी से कौंसल जनरल डीरेस वेल्स यानी जनरल कौंसल ऑफ दी वैलीज का क्याम अमल में लाया गया। इसको यूरोप की दूसरे नंबर पर कदीम तरीन पार्लियामेंट होने का एजाज हासिल है। 1433 में जस्टिस कोर्ट्स का क्याम अमल में लाया गया। 1601 में मजहबी बगावतों और मकामी जादूगरी को रोकने के लिए हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस तश्कील दी गई। 1692 में एंडोरा ने तंबाकू की तजारत शुरू की। 1809 में इनकलाबे फ्रांस के बाद नेपोलियन अव्वल ने एंडोरा की को प्रिंसिपैलिटी को खत्म कर दिया। 1812 और 1813 में जब पहली फ्रांसीसी सल्तनत का क्याम अमल में आया तो फ्रांस ने कैटालोनिया को फ्रांस के साथ जिम कर लिया और इलाके को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एंडोरा को डिस्ट्रिक्ट पिकर्डा का हिस्सा बना दिया गया। ताहम 1914 में दोबारा एंडोरा को आजाद रियासत का दर्जा दे दिया गया। 1866 में दोनों शहजादों की मंजूरी से नई असलाहत की गई और मुल्क का कानून तहरीर किया गया। मुल्क के लिए 3 रंग के झंडे की मंजूरी दी गई। होटलों की तामीर शुरू हुई, बंदरगाहें बनाई गईं, सड़कें तामीर की गईं और टेलीग्राफ की लाइनें भी इसी दौर में बिछाई गईं। 1880 में दोनों शहजादों की मंजूरी से मुल्क भर में कैसीनो और जुआखानों पर पाबंदी लगा दी गई। लोगों में इससे इज़्तिराब फैला और बागियों ने 8 दिसंबर 1880 को हाउस ऑफ सिंडिक पर कब्जा कर लिया और आरजी इनकलाबी काउंसिल कायम कर दी। आरजी इनकलाबी काउंसिल ने मुल्क भर में कैसीनो और जुआखाने दोबारा खोल दिए। इस दौरान 1882 से 1885 तक
बिशप के हामियों, फ्रांसीसी हुकाम के हामियों और कौम परस्तों के दरमियान कशमकश जारी रही। 1882 से 1887 के दौरान एहयाए कैटालान तहरीक ने जोर पकड़ा और इसी दौरान तालीम देने के लिए स्कूल बनाए गए और सरकारी जबान का दर्जा कैटालान को हासिल हुआ। 1848 में पहले ओपेरा का इफ्तिताह हुआ जिसे पूरे यूरोप में मकबूलियत हासिल हुई। अंडोरा ने पहली जंग अजीम में अजीम जर्मनी के साथ जंग का ऐलान कर दिया लेकिन बराह रास्त जंग में हिस्सा नहीं लिया। अंडोरा के कुछ लोग फ्रेंच फौज का हिस्सा बनकर जंग में शरीक हुए। दूसरी जंग अजीम में अंडोरा गैर जानिबदार रहा। इस दौरान ये फ्रांस और स्पेन के दरमियान स्मगलिंग रूट बना रहा। दारुल हुकूमत में ब्लैक मार्केटिंग का पूरा नेटवर्क कायम था। फिर अंडोरा ने सरमाया दराना मईशत की तरफ कदम बढ़ाया। अवाम को टैक्स में छूट दी गई और बड़े पैमाने पर सियाहत को फरोग मिला। पेशावराना बैंकिंग का आगाज हुआ। स्कीइंग और खरीदारी बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गए। 1930 के आखिर में स्कीइंग रिजॉर्ट्स बनाए गए, सकाफती इदारों को फरोग दिया गया और इसी दौरान होटल की सनत मजबूत हुई। 1967 और 1969 में फ्रांस के को प्रिंस ने एंडोरा का दौरा किया और मुआशी तेजी और इंसानी हकूक के लिए इकदाम उठाए। मईशत और सकाफत में इनकलाबी तब्दीलियां आई। रेडियो एंडोरा यूरोप का सबसे बेहतरीन मौसीकी का रेडियो स्टेशन बनकर सामने आया। GDP पर कैपिटा और औसत उम्र पूरे यूरोप में पहले नंबर पर आ गई। 1993 में सियासी निजाम को जदीद किया गया। 14 मार्च को मावन शहजादों की मंजूरी से रेफरेंडम हुआ। नए कानून के तहत नए इंतहाबात करवाए गए और इसी साल एंडोरा अक्वामे मुतहदा और काउंसिल ऑफ यूरोप का मेंबर बना। आज एंडोरा पार्लिमानी और बहम शहजादगी की रियासत है। शहजादों में फ्रांस के सदर और स्पेन के इलाके कैटालोनिया के बिशप ऑफ उर्जेल शामिल हैं। दोनों को प्रिंसेस हैं। एंडोरा की पार्लियामेंट को जनरल काउंसिल कहते हैं। जनरल काउंसिल में 28 से 42 काउंसलर होते हैं। काउंसलर 4 साल की मुद्दत के लिए चुने जाते हैं। को प्रिंसेस इंतहाबी अमल की निगरानी और तकमील के जिम्मेदार होते हैं। एंडोरा की अपनी कोई फौज नहीं है। चंद सिपाहियों पर मुश्तमिल एक रस्मी फौज मौजूद है। मुल्क के दफा की जिम्मेदारी फ्रांस और स्पेन की है। मुल्क के फौजी बजट का इनसार रजाकाराना अतियात पर है। कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल में अलार्म बजाया जाता है और तमाम जिस्मानी तौर पर सेहतमंद आदमी मसले के हल के लिए आगे बढ़ते हैं। अंडोरा का दारुल हुकूमत अंडोरा ला वेल यूरोप का बुलंद तरीन दारुल हुकूमत है जिसकी बुलंदी सतह समंदर से 1023 मीटर है। वर्ल्ड बैंक के अदादोशुमार के मुताबिक पिछले वर्ष 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के करीब टूरिस्ट अंडोरा आए। ये बात अंडोरा में टूरिज्म की अहमियत को वाजे करती है। स्कीइंग मुल्क का मकबूल तरीन खेल है। इसकी कशिश से लाखों सयाह अंडोरा आते हैं। बुलंदी के बायस मुल्क की शुमाली वादियां साल के बेशतर महीने बर्फ से ढकी रहती हैं। अंडोरा के लोग अपने ही मुल्क में अकलियत हैं। अंडोरा के लोगों की 2/3 आबादी के पास अंडोरा की नेशनैलिटी नहीं है। इन्हें वोट देने का हक भी हासिल नहीं। अरनिसल मुल्क का सबसे छोटा शहर है जिसकी आबादी 1555 अफराद पर मुश्तमिल है। अंडोरा को कभी गरीब आदमी का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता था। कोमा पेड्रोसा मुल्क की बुलंद तरीन चोटी है जो 9652 फुट बुलंद है। मुल्क में कोई एयरपोर्ट नहीं। बैन अल-अक़वामी सफर के लिए फ्रांस और स्पेन के हवाई अड्डे इस्तेमाल किए जाते हैं। अंडोरा में औरतों की उम्रें मर्दों से ज्यादा है। मुल्क की आर्मी महज 12 लोगों पर मुश्तमिल है। दिलचस्प बात यह है कि अंडोरा की पिछले 700 साल में किसी मुल्क से जंग नहीं हुई। बच्चों के लिए 16 साल की उम्र तक स्कूल जाना लाजमी है। अंडोरा की हुकूमत स्कूल बनाती और उनका इंतजाम चलाती है। ताहम स्पेन या फ्रांस की हुकूमत असातज़ा को अदायगी करती है। अंडोरा में लिटरेसी रेट 100% है। औसत उम्र 83 साल है। अंडोरा के लोग सुअर के गोश्त से बने खाने और समुद्री गजा शौक से खाते हैं। नीला, जर्द और सुर्ख अंडोरा के कौमी रंग हैं। मजहबी लिहाज से अक्सरियत रोमन कैथोलिक हैं। कैटालान सरकारी जबान है। 38.8% लोग कैटालान, 35.4% स्पेनिश, 15% पुर्तगाली और 5.4% फ्रेंच बोली और समझी जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि अंडोरा के हवाले से यह खूबसूरत वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट्स दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।